प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम आपके लिए कक्षा 11 के छात्रों के लिए गणित की एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं। ये प्रॉब्लम कक्षा 11 की गणित की NCERT का हिंदी का संस्करण जो है उस पाठ्य पुस्तक से ली गई है। प्रश्न नंबर 4 है, पेज नंबर 62 पर, एक्सरसाइज नंबर 3.1। क्लियर। तो आज की हमारी प्रॉब्लम है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी, और आपको दिया हुआ है पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। तो देखिए, हमने एक अनुमानित चित्र बना लिया ये वृत्त का। इस वृत्त की ये त्रिज्या हमारी, चाहे ये त्रिज्या मानिए, चाहे ये मानिए, चाहे ये मानिए, त्रिज्या तो बहुत सारी होंगी इस वृत्त की, और उन सभी त्रिज्याओं की लंबाई बराबर होगी। ये आपका वृत्त का केंद्र है। तो इस वृत्त की त्रिज्या की लंबाई जो दी गई है 100 सेंटीमीटर दी गई है, और इस वृत्त की जो परिधि है उसमें से हमने यहाँ तक की एक चाप काट ली, और इस चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर है जैसा कि पुस्तक में कह रहा है। तो ये चाप वृत्त के केंद्र पर कितना अंश का कोण बनाएगी, ये हमें ज्ञात करना है। कितने डिग्री का कोण बनाएगी, कोण का माप हमें डिग्री में निकालना है, रेडियन में नहीं निकालना है, ठीक है ना। तो ये ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इस चाप के इस सिरे को और इस सिरे को वृत्त के केंद्र से मिलाएंगे। ये तो ये वाला जो कोण बनता है वह कोण कहलाता है चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना गया कोण। हमें इसी कोण का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लिख लेंगे वृत्त की त्रिज्या बराबर, वृत्त की त्रिज्या की लंबाई बराबर 100 सेंटीमीटर, चाप की लंबाई बराबर 22 सेंटीमीटर, क्योंकि आपकी चाप की लंबाई तो दे रहा है 22 सेंटीमीटर और त्रिज्या की लंबाई दे रहा है 100 सेंटीमीटर। तो जो आपको दिया हुआ था वो हमने संक्षेप में लिख लिया अपने, ठीक। अब हमें एक सूत्र होता है, चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण बराबर चाप की लंबाई बटे त्रिज्या की लंबाई, ये सूत्र है हमारा। और इस सूत्र से जब कोण निकल के आता है तो वो कोण निकल के आता है हमारा रेडियन में। तो जब हम इस सूत्र के अंदर इस चाप की लंबाई और त्रिज्या की लंबाई लगा देंगे तो ये कोण निकल के आएगा हमारा रेडियन में। तो हमने यहाँ पर चाप की लंबाई की जगह तो लगा दिया 22 सेंटीमीटर और त्रिज्या की लंबाई की जगह लगा दिया 100 सेंटीमीटर, और ये मात्र इसका जो कोण का बनाएगा वो बनाएगा रेडियन। इस सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर कट जाएंगे, तो इस सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएंगे। क्लियर। अब देखिए, ये हम काटना चाहें तो 22 को और 100 को 2 से काट सकते हैं, काटिए मत। काटने में आपको आगे जाके कुछ थोड़ा सा परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा। ये पहले हिसाब लगा लेते हैं, और ये हिसाब लगाने का अभ्यास आपको हो जाएगा यदि आप इस प्रकार से विचार करते हुए प्रश्नों को करेंगे तब। तो आपका कोण निकल के आया 22/100 रेडियन का, लेकिन चूंकि आपसे ये कोण की माप जो पूछी है वो डिग्री में पूछी है, इसलिए इस रेडियन की आप डिग्री बना दीजिए। तो डिग्री बनाने के लिए क्या है, जैसा कि आप जानते हैं और आपको हमने इस पहले भी कई बार बताया है, एक रेडियन बराबर होता है 180/π रेडियन के, पाई डिग्री के। तो इस रेडियन के स्थान पर हम लगा देंगे 180/π डिग्री, और ये 22/100 वैसे के वैसे लिखे रहेंगे। तो हमें फल प्राप्त हुआ 22/100 गुणा 180/π डिग्री। अब हम इस जीरो से ये जीरो काट देंगे, क्लियर। और इस जीरो से ये जीरो काटने के बाद हमारे लिए फल प्राप्त होगा 22/10 गुणा 18, ये प्राप्त हो जाएगा। और इस पाई का मान लगाएंगे, पाई का मान जो होता है 3.14 भी होता है, और पाई का मान 22/7 भी होता है, लेकिन प्रश्न में कहा गया है कि आपको पाई का मान 22/7 लगाना है। तो इस पाई की जगह लगा देंगे हम 22/7। तो 22 यहाँ पर, क्योंकि ये पाई हर में है इसलिए 22 तो आएंगे हर में और 7 पहुँच जाएंगे अंश में। तो हमें फल प्राप्त होता है 22/17 × 7/10 × 22, और ये डिग्री को हमने संकेत में लिख दिया। अब वो इस 22 से 22 पूरे के पूरे कट जाएंगे, क्लियर। तो आपको बचेगा अंश में 18, तो ये बचेगा और 7 ये बचेगा, तो 18/7 तो ये बचे और हर में बचे 10, तो ये हो गया 18/7/10 डिग्री। अब 18 और 7 की आप गुणा कर लीजिए, 18 × 7 = 126, तो 126/10 डिग्री हो गया, डिग्री हो गया आपका ये, है ना। अब 126 को आप 10 से भाग करेंगे तो 110
26 को 10 से भाग करने पे क्या करेंगे, दाएं हाथ से एक अंक के बाद डेसिमल लगा देंगे और हर में जो आपका 10 है वो समाप्त हो जाएगा। तो आपको कोण का मान प्राप्त हुआ 12.6 डिग्री और ये आपका उत्तर आ गया। लेकिन उत्तरमाला में उत्तर ये नहीं दिया हुआ है और आप उत्तरमाला से उत्तर को मिलाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, जैसे कि आपको हमने बतलाया था अगर 5 सही 3/7 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 5+3/7। आपका 11 सही 9/25 लिखा है, इसका मतलब होता है 11+9/25। इसी प्रकार से अगर आपका 18.359 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 18+3.59। अगर आपका 11.5 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 11+5। तो इस नियम के आधार पर आपका जो 12.6 डिग्री है इसको आप लिख सकते हैं 12+0.6। अब चूंकि ये पूरा कोण जो हमारा डिग्री में है इसलिए डिग्री हमें यहाँ पर भी लगानी पड़ेगी और डिग्री यहाँ पर भी लगानी पड़ेगी, तो हमारा आया 12° + 0.6°। इस हमें आंसर में लाना है मिनट में और हम जानते हैं 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट के, तो इस डिग्री के स्थान पर हम यहाँ पर लगा देंगे 60 मिनट। तो हमें आंसर प्राप्त हुआ 12° + 0.6 × 60 मिनट। अब इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 की और 60 की तो आपको प्राप्त हो जाएगा 36। तो यहाँ पे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 36 मिनट और 12° वैसे के वैसे आ जाएंगे। तो आपको जो कोण प्राप्त हो रहा है उस कोण का मान निकल के आया 12° 36 मिनट। लेकिन इस प्रकार से प्रायः उत्तर नहीं लिखा जाता है, उत्तर लिखते समय प्लस में का जो निशान लगा हुआ है इसको समाप्त कर देते हैं। तो इसका मतलब हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 12° 36 मिनट। आप ये लिखिए तब भी सही है, ये लिखिए तब भी सही है, ये लिखिए तब भी सही है, लेकिन चूंकि पुस्तक से उत्तर मिलाना पड़ता है और हमें ये भी देखना पड़ता है कि इस चीज़ को क्या लिखने की परंपरा है, किस प्रकार से लिखना अच्छा लगता है, तो उन सब बातों का ध्यान रखते हुए हमारा अंत में उत्तर प्राप्त हो जाता है ये। जो तो इसका मतलब यह है कि 100 सेंटीमीटर लंबाई वाले व्रत में 22 सेंटीमीटर लंबी चाप जो है वह केंद्र पर जो कोण बनाएगा उस कोण का मान होगा 12° 36 मिनट उत्तर। इस प्रकार से ये प्रश्न पूरा हो जाता है। इससे पहले मैं आपको कई प्रश्न समझा चुका हूँ, आगे भी मैं आपको प्रश्न समझाऊँगा। आप देखते रहिए, समझने का प्रयास कीजिए, लाभ उठाइए। नमस्कार, धन्यवाद।